आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इशफाक खान, योर कंप्यूटर साइंस टीचर विद लेक्चर नंबर 19। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक इन चैप्टर नंबर 2, ठीक है। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पर्सनल इन्वॉल्व एंड SDLC एंड देयर रोल, ठीक है। यानी आज का जो टॉपिक है आपके पास वो ये है कि SDLC में जो डिफरेंट फेजेस आप लोगों ने पढ़े हैं लास्ट लेक्चर्स में, उनमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं और उनके क्या रोल होते हैं, ठीक है। उन लोगों के मतलब पढ़ेंगे जो SDLC के डिफरेंट फेजेस को सरंजाम देते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ओपन योर बुक। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है पर्सनल इन्वॉल्व्ड एंड SDLC एंड देयर रोल। कहते हैं कि SDLC एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड इंडिविजुअल्स कॉल्ड पर्सनल्स। यानी SDLC की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या जितनी भी स्टेप्स हैं, ये कौन परफॉर्म करते हैं? ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल और इंडिविजुअल्स परफॉर्म करते हैं, जिनको आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ज़बान में क्या कहते हैं? पर्सनल कहते हैं। These personal are professional in performing their particular jobs। यानी ये जो लोग होते हैं ये बड़े प्रोफेशनल होते हैं अपने काम को सरंजाम देने में। These include, ठीक है। अब जो different persons which are involved in SDLC are number 1 management personnel, number 2 project manager, number 3 system analysis, number 4 programmer, number 5 सॉफ्टवेयर टेस्टर एंड नंबर 6 कस्टमर, ठीक है। ये 6 किस्म के लोग जो होते हैं वो आपके SDLC में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है मैनेजमेंट पर्सनल है, दूसरे नंबर पे है प्रोजेक्ट मैनेजर, तीसरे नंबर पे है सिस्टम एनालिसिस, चौथे नंबर पे है प्रोग्रामर, पाँचवें नंबर पे है सॉफ्टवेयर टेस्टर और लास्ट पे है छठे नंबर पे है आपके पास कस्टमर। आज के लेक्चर में हम पहले 3 किस्म के लोगों के मुतालिक पढ़ेंगे कि ये लोग कौन हैं, इनके रोल क्या हैं, ठीक है। और कल के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हम जो लास्ट 3 टाइप्स हैं पर्सनल के, इनके मुतालिक पढ़ेंगे और इनके रोल के मुतालिक पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ये नोट कर लें कि ये जो टॉपिक है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज है इसकी। तो एक्सरसाइज में अगर आप लॉन्ग में देखें तो ये है आपके पास कि विच पर्सनल्स आर इन्वॉल्व्ड इन SDLC एक्सप्लेन देयर रोल ब्रीफली। अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर ये आपके 6 के 6 किस्म के जो पर्सनल हैं इनकी डेफिनीशंस और इनके जो रोल्स हैं वो आपने लिखने होते हैं। और शॉर्ट में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन SDLC, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कस्टमर, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोग्राम टेस्टर या सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो इस किस्म के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर टॉपिक, ठीक है। ये सबसे पहला नंबर पे आपके पास है मैनेजमेंट पर्सनल टीम, ठीक है। ये इसकी डेफिनीशन है आपके पास कि अ स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम एज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स एंड एक्वायरर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। यानी एक स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम की ये खासियत होती है कि वो कस्टमर्स को और एक्वायरर्स कौन होते हैं? जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले होते हैं। आप यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहूँ तो मैं एक्वायरर होऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर को हासिल करने वाला हूँगा, ठीक है। तो स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम की खासियत होती है कि वो कस्टमर्स को और एक्वायरर्स को दोनों को सेटिस्फाई कर सके। आल्सो अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और अ प्रोडक्ट विल नॉट मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स इफ मैनेज प्रॉपरली। और इसके अलावा कहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट आपने प्रपोज़ किया है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स या अपने मकासद उस वक्त तक पूरे नहीं कर सकता अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे। अदरवाइज विल रिजल्ट्स इन फेलियर। यानी अगर आप प्रॉपरली उसको मैनेज करेंगे तो वो अपने मकासद पूरे करेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर नाकामी का मुँह जो है वो आपको देखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन इज़ कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ गुड मैनेजमेंट टीम, ठीक है। यानी मैनेजमेंट टीम के रोल्स क्या होते हैं। नंबर वन, प्रोवाइड कंसिस्टेंसी ऑफ सक्सेस ऑफ द सॉफ्टवेयर विद रिगार्ड टू टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यानी पहला जो इसका रोल होता है वो ये होता है कि ये कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर को, किस लिहाज से, टाइम के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से और ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से। यानी स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम की ये कोशिश होती है कि आपका सॉफ्टवेयर टाइम के लिहाज से जितना टाइम दिया गया उस टाइम में वो कंप्लीट हो सके, जो कास्ट आपने बताई उसी कास्ट में वो तैयार हो सके, क्वालिटी अच्छी हो और वो आपके तमाम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रही हो। नंबर टू, एंश्योर्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर मेट, यानी इस बात को यकीनी बनाना कि कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक़ात हैं, वो पूरी हो रही हैं। नंबर थ्री, कलेक्ट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड डेटा फॉर फ्यूचर यूज़, यानी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है या डेटा है उसको कलेक्ट करना ताकि उसको फिर बाद में फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सके। नंबर फोर है कि प्रोवाइड a method of thought for ensuring all requirements are addressed through a comprehensive work definition process। यानी आपके SDLC का जो पहला फेज़ होता है ना, डेफिनीशन फेज़, वो अमूमन ये मैनेजमेंट पर्सनल करते हैं। ठीक है, यानी उसमें वो क्या करते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो एक कम्प्रिहेंसिव वर्क डेफिनीशन प्रोसेस की मदद से आपके सामने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर लें और जिसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस किया गया हो। ठीक है, एक अच्छी डेफिनीशन जो होती है प्रोजेक्ट की वो आपको समझने में मदद देगी कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। और लास्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट के साथ किसी भी किस्म के जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, ख़तरात यानी टाइम के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से, उनको रिड्यूस करना यानी कम करना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम या मैनेजमेंट पर्सनल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास है प्रोजेक्ट मैनेजर। कहते हैं कि सबसे पहले इसकी डेफिनीशन है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड क्लोजिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट। यानी प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है ये बेसिकली एक प्रोफेशनल शख्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जिम्मेदार होता है किस चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए और प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए। अपार्ट फ्राम मैनेजमेंट स्किल, यानी इसमें बंदे में मैनेजमेंट स्किल्स के अलावा अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर विल टिपिकली हैव एन एक्सटेंसिव बैकग्राउंड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी इस बंदे में मैनेजमेंट स्किल के अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो खसूसियात होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये एक आला दर्जे का सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है। She is also expected to be familiar with the whole software development life cycle process, यानी कि डेफिनेटली आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो SDLC के कंप्लीट प्रोसेस से फेमिलियर होगा। द की रोल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर, अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स, तो उसके आंसर ये हैं। नंबर वन, डेवलपिंग द प्रोजेक्ट प्लान, सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लान को डेवलप करना। नंबर टू, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट बजट, प्रोजेक्ट बजट को मैनेज करना। नंबर थ्री, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, यानी प्रोजेक्ट के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी जो प्रोजेक्ट के हिस्सेदार जो होते हैं, यानी चाहे वो टीम है या कस्टमर है, जो भी हैं, तो उनको मैनेज करना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, नंबर फोर, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट टीम, यानी आपकी जो प्रोजेक्ट टीम होती है उसको मैनेज करना, वर्क असाइन करना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। नंबर फाइव, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट रिस्क, और प्रोजेक्ट रिस्क को मैनेज करना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। रिस्क टाइम के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से, इस लिहाज से रिस्क होते हैं अमूमन। और मैनेजिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल, यानी जो टाइम दिया गया आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उस टाइम को मैनेज करना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट के जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको मैनेज करना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। कन्फ्लिक्ट्स अमूमन यानी टाइम के लिहाज से कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, बजट के लिहाज से कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इनको कन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपने 3 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और बीच में आपको कोई और प्रोजेक्ट भी असाइन होंगे, तो अब वो कन्फ्लिक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो उस कन्फ्लिक्ट को मैनेज करना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लियर है। और नेक्स्ट है आपके पास लास्ट आज के लिए सिस्टम एनालिसिस। कहते हैं कि अ सिस्टम एनालिसिस is a professional in the field of software development that studies the problem। यानी सिस्टम एनालिसिस जो होता है ये एक प्रोफेशनल शख्स होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में, जो कि प्रॉब्लम को स्टडी करता है, प्लान सोल्यूशंस फॉर देम, उनके लिए सोल्यूशन प्लान करता है, रिकमेंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स रिकमेंड करता है आपके लिए, एंड कोऑर्डिनेट्स डेवलपमेंट टू मीट बिजनेस और अदर रिक्वायरमेंट्स। और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसमें वो कोऑर्डिनेशन करता है टीम के साथ, ताकि बिजनेस और दूसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी। कहते हैं कि सिस्टम एनालिसिस हैज़ एक्सपर्टीज़ इन अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये जो शख्स होता है इसको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अबूर हासिल नहीं होता, बल्कि इसको कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मतलब ये जानता है, एंड कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स और कंप्यूटर के हार्डवेयर के मतलब भी ये जानता है। यानी कि ये शख्स जो होता है ये मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड्स में माहिर होता है। द जर्नल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एनालिसिस्ट आर डिफाइंड बिलो। यानी एनालिसिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो रोल्स होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं। नंबर वन, प्लान ए सिस्टम फ्लो। यानी सिस्टम फ्लो को प्लान करना कि सिस्टम किस तरीके से बनेगा, कौन सा डेटा उसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है, उसको बनाना और उसको प्लान करना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिसिस। नंबर टू, इंटरेक्ट विद कस्टमर्स टू लर्न एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स दैट आर देन यूज टू प्रोड्यूस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। यानी इसका एक काम होता है कि ये कस्टमर्स के साथ मुलाकातें करते हैं ताकि जान सके कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स की शक्ल देते हैं और फिर यही रिक्वायरमेंट्स आगे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके बाद है आपके पास डिफाइन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना, इंटरेक्ट विद डिज़ाइनर्स टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस। यानी जो डिज़ाइनर्स होते हैं आपके सॉफ्टवेयर के, जो डिज़ाइन करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना ताकि सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस को समझा जा सके कि कहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो काम कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा। हेल्प प्रोग्रामर्स ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट फेज़। यानी जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी मदद करना, क्योंकि ये शख्स मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में माहिर होता है, तो ये प्रोग्रामर्स की मदद करता रहता है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की सिनारियों में, मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पे प्रोग्रामर्स की मदद करता रहता है। लास्ट है मैनेजिंग सिस्टम टेस्टिंग। यानी सिस्टम की जो टेस्टिंग होती है उसको मैनेज करना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिसिस। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स एंड कंट्रीब्यूट टू यूज़र्स मैनुअल, ठीक है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी सॉफ्टवेयर की, उनको डॉक्यूमेंट की शक्ल देना। और लास्ट पे जो सॉफ्टवेयर का यूज़र मैनुअल बनता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से नहीं करना। तो ये यूज़र मैनुअल जो है ये आमतौर पर कौन तैयार करते हैं, ये अमूमन सिस्टम एनालिसिस तैयार करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।